शादी करेगी? तूने मुझे समाधि में सड़ने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मेरी मोमबत्ती। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, अपना बदला जरूर लूंगा। प्रतिशोध लिए बिना मरने वाला व्यक्ति प्रेतात्मा बन जाता है, और जब तक उसका बदला पूरा ना हो जाए वो इस दुनिया से नहीं जाता, चाहे कितने भी युग क्यों ना बीत जाएं, वो करता है इंतजार। अरे अरुंधति बेटी। अरे अरुंधति, कहाँ हो तुम? ऊपर तैयार हो रही है। नमस्कार प्रसाद जी। हाँ हाँ राजू भाई, नमस्कार। अपनी बेटी की मेहंदी रस्म का फंक्शन बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं आप। इकलौती बेटी है ना, इतनी जल्दी बेटी की शादी तय हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो कुछ नहीं राजू भाई, अरुंधति बेटी की शादी जीजा जी इतनी धूमधाम से कराएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। भैया पंडित जी कह रहे हैं कि पूजा का समय हो गया है। ठीक है माँ लक्ष्मी। हाँ जी। पूजा का समय हो गया है, अरुंधति कहाँ है? ऊपर तैयार हो रही है जी। बेटी अरुंधति। मेरी मोमबत्ती, अब कली से फूल बन गई है तू, मेरी भूख मिटाने की उम्र हो गई है तेरी। थोड़ा थोड़ा निचोड़ कर तेरा सारा रस पी जाऊंगा, बुलाऊंगा तुझे राजमहल में बुलाऊंगा। अरे जल्दी 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 करो, शाम 4 बजे तक मुंबई पहुंचना है हमें, पर अभी तक तैयारी पूरी नहीं हुई। हमारी जयजम्मा माँ के जेवर अरुंधति को बहुत पसंद है, किस्मत वाले हैं गहने, इन्हें तो लेकर ही जाना पड़ेगा। क्या बात है, अभी भी एकदम नए लगते हैं। ऊपर से पिताजी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। हाँ, हाँ, देखते हैं। चलिए सर। हाँ क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी गिर गए हैं बेटी। आप घबराइए मत दादी, मैं अभी वहाँ आती हूँ। नहीं बेटी, पंडित जी ने तुम्हें बाहर निकलने से मना किया है, हम जाके उन्हें ले आते हैं। पता नहीं वहाँ दादाजी कैसे होंगे, और आप फालतू की बातें कर रही हैं। तो तू आ ही गई। आई है लेकिन राजगढ़ से वापस नहीं जाने दूंगा। आप क्या छोटे बच्चे हैं दादाजी, जो उछल कूद कर रहे थे? बिल्कुल नहीं जी, मैं ना तो उछला ना ही कूदा। तो क्या आपको किसी ने धक्का दिया? ऐसा ही लगा मुझे भी, लेकिन पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। आपका यहाँ कोई काम नहीं है, अब आप हमारे साथ मुंबई चलिए। हाँ हम लोग भी तो यही बोल रहे हैं बेटी कि तुम अब ये बीच में मत बोलो। दादाजी आप बीच में मत बोलिए। वो क्या है ना? हाँ बोलिए, क्या बात है? वो ना, वो क्या? यहाँ पर अपनी जमीन है, जायदाद है, और जो लोग हम पर आश्रित हैं उनका ख्याल भी तो रखना होता। मैंने है कहा ना? था ना, सबका ख्याल रखने के लिए आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। हाँ, कहा तो था? फिर वो क्या है ना जयजम्मा जी, कुछ नहीं सुनना है, चलने की तैयारी करिए। चलिए ठीक है, मैंने कहा ना अभी चलिए। कहा था तो जाइए, तैयारी करिए। हमारा छोटे लाल चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ जयजम्मा के सामने तब भी बच्चा था और अब भी। चंदा माँ कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ मेरी बेटी। अपनी शादी के मुहूर्त के बाद तुम पहली बार अपने साम्राज्य में आई हो ना, जय जम्मा माँ का आशीर्वाद ले लो बेटी। चंदा माँ। Oh,
जाने के बाद इस घर में जो भी पहली लड़की होगी उसे मेरा नाम ही देना, क्योंकि उस रूप में मैं ही जन्म लूंगी। माता, तुमने वचन दिया था तुम दोबारा जन्म लेकर इस साम्राज्य में वापस आओगी। तुमने वचन निभाया माता, वचन निभाया। चंदा माँ, वचन निभाया। चंदा माँ, जयचम्मा कहीं नहीं गई है, वो हमेशा हमारे साथ है। हाँ बेटी, हाँ, वो हमेशा हमारे साथ है। सुशीला, छोड़ो मुझे, सुशीला उस महल में है। सुशीला, सुशीला महल में। दूर से सुशीला, उसे लाना होगा। इसको यहाँ से ले जाओ। सुशीला, मेरी सुशीला वहाँ पर है, मुझे सुशीला को लाना। चलो चलो मुझे। ये क्या राजन को ये क्या हो गया? लग्न पत्रिका लाते समय पुराने महल के पास इसका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सुशीला का नाम क्यों ले रहा है? इसकी बीवी का क्या हुआ? पता नहीं उसका क्या हुआ, इसका कोई इलाज नहीं करवा रहे हैं। ऐसी बीमारी और भूत प्रेत की छाया की झाड़ फूक करके इलाज करने वाला एक फकीर है, हम आज ही इसे उनके पास भेजने वाले हैं। फकीर। सलाम अलैकुम मनोहर भाई। सलाम सलाम। नमस्ते फकीर बाबा। नमस्ते। बच्चे लोग ले लो, तुम भी ले लो। फकीर बाबा, तुम तो मुसलमान हो ना, तो दरगाह के पास बांटी जाने वाली बूंदी की मिठाई मंदिर के सामने क्यों बांट रहे हो? अल्लाह की इबादत चाहे कोई कैसे भी करे, पर भूख तो सबको एक जैसे ही लगती है। भूख मिटाने के लिए इंसान कुछ भी कहीं भी बांट सकता है। राधिका जी, ये खाओ खाओ, सब लोग बेहिचक खाओ। और रामू, धंधा ठीक चल रहा है ना? फकीर बाबा, फकीर बाबा, कल रात इसने कोई बुरा सपना देखा, तब से इसने पेशाब नहीं की है। माँ अगर बच्चे को रात भर अपने से दूर रखेगी तो बच्चा अकेले में डरेगा नहीं, तो और क्या होगा? हाँ बाबा, कोई बात नहीं। सू करो बच्चा। पेशाब कर दी बाबा। शैतान भी पेशाब के साथ बह गया, चल जा। अल्लाह अच्छा करेगा, बजरंग बली रक्षा करेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मैंने कहा। आजा मेरी महबूब, छोड़ो। इसका शरीर छोड़ दे शैतान। चुप, कौन है तू? मैं इस लड़की का प्रेमी हूँ, इसने मुझे धोखा दिया और शादी नहीं की, मैं इसे मार डालूंगा। तो भूतों की भी लव स्टोरी होने लगी। रहम कर अल्लाह, चल तू, चल चल अंदर, चल अंदर, चल चल अंदर। छोड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शैतान से इसकी रक्षा करना। यारी, ये अल्लाह की पाक खाक, शुद्र पिशाच इस खाक को पार नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए अल्लाह का घर है और तू जैसों के लिए कर। ऐ चुप कर, ऐ इसके अंदर जा, ऐ छोड़ दे इस शरीर को। ये क्या पागलपन है? नहीं बेटी, ये बहुत पहुंचे हुए फकीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान यारी, जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहमान यारी, छोड़ दे शैतान, छोड़ दे शैतान। ए करीम जी, आज रात तुम इस जार को शमशान में ले जाकर गाड़ दो। अच्छा जी। सीता बहन जी, बच्ची को ले जाओ। जी बाबा। आंखों में सुरमा लगाना, बभूत को पानी में मिलाकर पिला दे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जा, रुक, मालिक ने हमें यहाँ भेजा है। रुक नहीं सकता, सुशीला पुराने महल में, इनसे कहा वहाँ ले चलो। तुम शांत हो जाओ, रुको। चलिए पहले तुम्हारी नजर उतार लो और फिर चलते हैं। मुझे वो सब नहीं करना है। ठीक है, सुनो, मुझे समाधि को तोड़ना है। रुक जाओ, रुक जाओ, छोड़िए। नहीं रुक जाओ सुशीला, रुक, मेरी बात नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी छोटी मालकिन इस तरह टॉर्चर करने से भी ठीक होता है क्या? इंसान को बचाने के लिए उसके भीतर के भूत को निकालना पड़ता है, और भूत को निकालने के लिए तगड़ी मार लगानी ही पड़ती है। मुझे मारने में मजा थोड़ी ही आता है बेटी। आज के जमाने में भी आप भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं? क्या तुम भगवान पर विश्वास करती हो? हाँ करती हूँ। तो क्या हुआ? तो भूत होते ये भी मानना पड़ेगा तुम्हें। क्यों, तुम मुझे भूत दिखा सकते हो? बाबा दर्द हुआ ना? जी। उसने कहा दर्द हो रहा है, अब बताओ वो दर्द दिखा सकती हो? ये हवा दिखा सकती हो? अपने प्राण दिखाओ मुझे। जो दिखाई नहीं देता वो सब झूठ नहीं होता, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। ऐसा आपके कुरान में लिखा है क्या?
हमारी भगवद गीता में भी लिखा है, जातस्य हि ध्रुव मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितम् अर्हसि। तुम्हारा कलावा बांधना सच है तो इस फकीर का ताबीज भी सच है, अगर तुम्हारा नारियल तोड़ना सच है तो मेरा नींबू बांधना भी सच है, भगवान को सर झुकाना जरूरी है तो शैतान का सबक भी। इस मानसिक रोगी के साथ ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आती? पर इसकी जान खतरे में है। यहाँ इसे आपसे खतरा है। अरे सुनो, असली खतरा उसके ऊपर नहीं मंडरा रहा है, तुम्हारे आसपास खतरा मंडरा रहा है। ऐसा कहकर मुझे डरा रहे हो? देखो मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। चली जाओ, फौरन चली जाओ, इस शहर से चली जाओ। बेटी अगर ये इतने यकीन के साथ कह रहे हैं तो कोई वजह जरूर आप होगी। चुप रहिए। चंदा माँ, मैंने कहा ना, मेरी बात तो सुनो। चलिए यहाँ से। हेलो, तुम्हें याद करते हुए, तुम्हारा इंतजार करते हुए यहाँ एक आत्मा भटक रही है, पता है? So sad, my poor Rahul. जल्दी से आ जाओ, मैं विरह की अग्नि में जल रहा हूँ, इस आग से मुक्ति दिलाओ। पर कैसे, मैं तो मुंबई में हूँ ही नहीं। लेकिन मैं तो राजगढ़ में ही हूँ। राजगढ़ में? अच्छा, अभी टाइम क्या हुआ है? आधी रात के 12 बजे। इस अंधेरे में तुम तक कैसे पहुँचूं समझ में नहीं आ रहा। यहाँ शहर से बाहर एक पुराना महल है, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही है मालकिन? बाहर जा रही हूँ, 10-15 मिनट में आ जाऊंगी। राहुल, 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 यहाँ क्यों आई हो बेटी? यहाँ से वापस चलो। यहाँ मेरा राहुल आया हुआ है। अंदर कोई इंसान नहीं रहता। मत जाओ बेटी, ये सीटी वही बजा रहा है। बेटी राहुल कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ छुपा है। राहुल बेटी, ऊपर आओ, तुम्हारा राहुल यहीं ऊपर है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। आओ बेटी, आओ आओ, आ जाओ। अरुंधति, यहाँ इस कमरे में मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अरुंधति, राहुल, तुम्हारी आवाज सुनते ही मुझे तुम्हारी हर बात याद आ रही है। मेरे इतने पास खड़ी हो, खुद को रोक नहीं पा रहा हूं मैं। आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हर गुजरते पल के साथ मैं पागल हुआ जा रहा हूं। आ जा, आ जा,
नहीं आएगी तो मैं मार डालूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं तुझे समाधि से कभी बाहर नहीं आने दूंगी। कभी नहीं। नहीं आने दूंगी। मैं रहूंगा। नहीं। पीछा कर आगे मत बढ़ो। तुझे मारने आऊंगा। तुझे बाहर निकालने आऊंगा। चलो मेरी बात मानो। चलो यहाँ से। चलो मेरे साथ। नहीं छोडूंगा। चलो जल्दी। चलो जल्दी। सुनो, 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 सुनो। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें इस गांव से जाने के लिए कहा था मैंने, तो यहाँ क्यों चले आई तुम? उस शैतान ने तुम्हारी जान लेने के लिए बुलाया तुम्हें यहाँ। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अंदर मेरा राहुल है। नहीं है, अंदर कोई नहीं है। उसने कहा वो यहीं पर है। नहीं है। राहुल। नहीं। राहुल। कोई नहीं। राहुल। नहीं नहीं, कोई नहीं है। उसने मुझे फोन किया था तभी तो मैं यहाँ आई। करो फोन, पूछो उससे वो कहाँ है, फोन करके तो देखो। हेलो राहुल, कब से इंतजार कर रही हूँ, बेकार में यहाँ नाटक हो रहा है। कहाँ हो तुम? मैं तो मुंबई में हूँ। मुंबई में हो? Hey, Aru, when are you coming? All my friends are waiting to see you before marriage. तुम्हें जो फोन आया था सच था, तुमने जो बात की वो भी सच थी, लेकिन राहुल यहाँ पर आया है ये झूठ है। आँखों से जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। यहाँ पर बहने वाली हवा में शैतान का साम्राज्य है। अल्लाह की रोशनी में तुम्हें सब सच दिखाई देगा। देखो, समझ गई? सब कुछ समझ गई ना? हे मेरी मोमबत्ती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आऊंगा, आऊंगा। चली जाओ, इस गांव को छोड़कर चली जाओ, चली जाओ। अंदर मत जाओ बेटी, अंदर कोई इंसान नहीं रहता। ये कौन है? ये मेरे बड़े भैया वीरेंद्र हैं। 30 साल पहले स्वर्ग सिधार गए। लोग कहते हैं कि कभी कभी पुराने महल के आसपास ये आज भी दिख जाया करते हैं। मुझे लगता है ये लोगों का भ्रम है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। कहाँ हो तुम? मुंबई में। राहुल, चली जाओ। मेरी मोमबत्ती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।